सो हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल डिजाइनर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेवलपमेंट टाइप ऑफ वीडियोस। गाइस, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका पास ये तो फ्री है, पर मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको बहुत सपोर्ट करता है। और हर एक जो हम लोगों का सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट से, उस जगह में हम लोगों को फॉलो कीजिए। तो पहला बंगाल न्यूज़ का फ्रेश एंड नया एपिसोड में इस हफ्ते के लिए आपको सबको स्वागत है। तो फर्स्ट जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो है सीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी कल्याणी में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अभी सीका मैन्युफैक्चरिंग सीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिसेंट टाइम्स में जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो खड़गपुर में एक प्लांट बनाने जा रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं, ये प्लांट आपका नया खड़गपुर में आ रहा है, जो ऑल इंडिया में जो सीका का प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर करने में और वेस्ट बंगाल का अंदर एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का अंदर एक बिग न्यूज़ सामने आ रहा है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वो क्या है, वो है इंडिया यूके का बीच में एक डील। आप लोग जान नहीं चुके हैं, इंडिया एंड यूके का बीच में बहुत जिनसे एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, अभी उसका बीच में एक बिग न्यूज़ यही आ रहा है। यूके हर स्टेट का अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, पर बंगाल में यूके थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी यूके बंगाल में क्या कर रहा है, यूके और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिससे बहुत ही जल्द यूके पायलट प्रोजेक्ट का तरह इंडिया में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्टार्ट करने वाला है। हम बीच में यही सुने थे जे बीच में मुर्शिदाबाद में यूके का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगा मुर्शिदाबाद में, हम लोग ये आशा कर सकते हैं बहुत ही जल्द उसका बारे में भी कुछ अपडेट आएगा। पर इंडिया में सबसे पहले अभी जो इंटेलिजेंट मोबिलिटी सेंटर है यूके गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का अंदर कोलकाता में सेटअप करने जा रहा है, जो पिछले दिन कुछ आपका जो हम लोगों का जो NKDA का चीफ है उसके साथ जो आपका यूके का जो डेलीगेट से उसका मीटिंग हुआ है उसका बीच में यही समझा है। इससे क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुश है वो बहुत ही शानदार है। आज रिसेंट टाइम में हम लोग यही देखा है नरेंद्र मोदी के साथ इलॉन मस्क का एक मुलाकात हुआ है, जो इंडिया में टेस्ला आ रहा है, अर्थात इसका बीच में इंडिया में पहला इंटेलिजेंट जो मोबिलिटी पार्क है जो वेस्ट बंगाल में बनाने जा रहा है यूके गवर्नमेंट, और उसका साथ जो ये बिग न्यूज़ है जो टेस्ला को हम लोगों का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी इनवाइट करना चाहिए, जो टेस्ला वेस्ट बंगाल में आके उसका बिग गीगा फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में सेटअप करते हैं। तो वेस्ट बंगाल का मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ के लिए ये बहुत ही बिग न्यूज़ है। अभी वेस्ट बंगाल में और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऊपर बिग न्यूज़ आ रहा है, उसका बीच में जो बिग आ रहा है वो है जियो एंड BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड जियो का जॉइंट वेंचर तो हम सबको जानता है। अभी जियो BP ईस्ट इंडिया में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो मध्यमग्राम एरिया में चालू किया है, उसका कुछ कंपनी एम्प्लॉई ऐसा लिंक्डइन में पोस्ट भी दिया है, जिससे हम लोग जान सकते हैं जो जियो BP भी वेस्ट बंगाल में बिग अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वन बोल के एक EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलरेडी हम लोगों का मालदा जो वेस्ट बंगाल में है उस जगह में नया आउटलेट ओपन किया है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में दूसरा जगह में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का बंगाल न्यूज़ में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और नया नया शॉपिंग मॉल्स बिल्डिंग का न्यूज़ नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पहले जो न्यूटन एक्शन एरिया 2 का अंदर एक बिग ऑर्बिट जो उर्बन पार्क बनने जा रहा है, ये आपका एक बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड बिजनेस पार्क विथ रेसिडेंशियल हर चीज़ होगा इसमें। ये क्या होगा, ये आपका जो TCS गीतोबितान है उसका बगल में ही बनने जा रहा है न्यू टाउन कोलकाता एरिया में।
आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में इसका जो लुक है वो बनने का बाद इस एरिया और न्यू टाउन का तो आपका सूरत ही बदल जाएगा। तो न्यू टाउन का डेवलपमेंट के लिए एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद आ रहा है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कोलकाता। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कोलकाता में एक बिग स्काई स्क्रैपर बनने जा रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं एक बिग स्काई स्क्रैपर है जो आपका रेजिडेंशियल एंड बिजनेस पार्क का अंदर बनेगा। आपका इसका जो जो लोग डेवलप कर रहा है उसका नाम है आपका जीनी रियलिटी ग्रुप पार्क एनेक्स बोल के एक बिग स्काई स्क्रैपर इधर में बनने जा रहा है जो आप लोग देख ही सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में स्काई स्क्रैपर्स और बहुत बन रहा है जो वेस्ट बंगाल का स्काई लाइन को और कोलकाता का स्काई लाइन को बिग बूस्ट देगा। उसके बाद रेंटली बोल के एक आईटी कंपनी कोलकाता का जो सेक्टर 5 एरिया में जो इन्फिनिटी बिल्डिंग है उस जगह में एक नया ऑफिस स्पेस रेंट लिया है। उस जगह में उसका ऑपरेशंस भी स्टार्ट किया है। तो वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट के लिए एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद आ रहा है वेब 3 स्टार्टअप बोल के एक स्टार्टअप कंपनी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ जो न्यू टाउन एरिया में जो जितना भी लैंड परचेस हो रहा है उसका जो बैकग्राउंड डेटा है उसको स्टोर करने के लिए एक एग्रीमेंट में गया है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्टार्टअप लोगों के साथ भी बहुत ही इंस्पिरेशन दे रहा है। तो ऐसा टाइप का जो इंस्पिरेशन है हम लोगों का वेस्ट बंगाल का स्टार्टअप और दूसरा जगह का भी स्टार्टअप के साथ करना चाहिए जो स्टार्टअप ही इंडिया को एक बिग इकोनॉमी हर दिख से बनने के लिए हेल्प होगा। तो हम लोग यही आशा कर सकते हैं रिसेंट टाइम्स में कार मैन्युफैक्चरिंग और जो जो सेक्टर में वेस्ट बंगाल थोड़ा पिछड़ा हुआ है वो सेक्टर भी गवर्नमेंट आगे लेके आए और वेस्ट बंगाल का एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो और भी अच्छा है। तो ऐसे टाइप के वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों के साथ मुलाकात है। थैंक यू ऑल।